भाई बंदा गिव अप कर रहा है, ये कह रहा है भाई पैर की क्या प्रॉब्लम, पैर की ये पैर में दिक्कत मुड़ जाता है भाई, क्या ऑपरेशन हुआ पैर में? ऑपरेशन हुआ है, फिर क्या हुआ बता? तो ये है वे टू जॉर्ज एवरेस्ट पीक 900 मीटर्स ऑफ एग्जॉस्ट ट्रैकिंग, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैली बताना मतलब लीव यू माय माउंटेन वैली। सो गाइस स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, चलो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट। भाई एग्जॉस्ट नहीं हो रहा, ठीक है पानी की बोतल है, ऑक्सीजन सिलेंडर तो नहीं चाहिए ऑक्सीजन सिलेंडर। काशिफ देख रहा है ऐसे ऐसे रास्ता जा, चल पाएगा ना भाई? कहाँ गया भाई? इसको बना मैं आपको दिखाना कहाँ जाना है मैं। अबे ओ हबीबुल्ला आ जा। तो गाइस भाई मैं रुक गया तो चला यहाँ, मैं तो जाऊँगा पक्का। स्टीफ है लेकिन काफी। काशिफ कह रहा है उसकी फट रही है, पहली बार इतना पीक पे जा रहा है वो। है भाई ऐसा कुछ नहीं है भाई, भाई फट रही है भाई, फट रही है भाई, फट रही है, झूठ मत बोल ठीक है। कंफर्टेबल बहुत यार, इससे बड़ी बड़ी ऊंचाई की है, क्या बात कर रहा है यार, तू लोगों को गुमराह कर रहा है। मेरी बेरी इजी थी अभी कह रहा था मेरे से बनी हो पाएगा, मैं यही रुक रहा हूँ। नो नो यार एवरी मैन आओ पर सेफली आओ। कैसा है भाई ऊपर व्यू, कैसा है व्यू, कैसा है भाई ऊपर से? गाइस आर बिजी इन टॉकिंग ईच अदर, गाइस दे डिडंट रिस्पोंड मी, बिजी हो गए गाइस। कहाँ रह गया भाई, आ जा देखना कहाँ पीछे, साथ साथ चल ले यार, गुम हो जाएगा फालतू में, तो तेरी शादी भी नहीं हुई अभी तक तो। आ जा भाई आ जा, चल चल गाइस चल, शाबाश ये सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, चल भाई चढ़ यार। अरे सुमित भाई ब्लॉग देख रहे हो, देख लो यार ये बंदा चढ़ नहीं पाता यार, ट्रैक नहीं कर पाता यार, ये क्या चढ़ेगा हमारे साथ यार। तो ये पूरा सीढ़ियों वाला रास्ता है और ये बंदा नहीं चल पा रहा, इसकी हालत खराब है। गाइस अभी हम वहाँ थे ये हॉल्ट पे, और वहाँ से चढ़ाई करते हुए पूरा ये रास्ता कवर करते हुए यहाँ आ गए, ये बंदा गया। सो अभी और चढ़नी है, और चढ़नी है, अभी धूप तेज है इसलिए ये क्या ऐसे चढ़ना, ऐसे करके पूरा चढ़ना पड़ेगा। आ जा भाई काशिफ जल्दी दिया, आ जाएंगे ये बात होगी। भाई ये बंदा गिव अप कर रहा है, ये कह रहा है भाई पैर की क्या प्रॉब्लम, पैर की ये कह रहा है मुड़ जाता है भाई, क्या ऑपरेशन हुआ पैर में? ऑपरेशन हुआ है, फिर क्या हुआ बता? मेरे पैर की ना परमानेंट डिसीज है ये ना, हल्का सा भी स्लो वैसे मुड़ जाएगा, यहां सारे पत्थर है। अच्छा तू भाई यहां पे गलती होगी ना तो नीचे, तू एक काम कर धीरे-धीरे नीचे उतर, मैं भी वहां मिलूंगा, और मैं चाह रहा हूं अकेले चढ़ने के लिए। फोटो खिंचाने की पड़ी हुई है, ये नहीं कि भाई ट्रैक कर ले भाई, हद हो गई यार। तो गाइस मैं चढ़ूंगा अकेले ये ऊपर, तो चढ़ ही गया हूं मैं, जरा सा ही तो रहेगा। तो गाइस मैं अब अकेले ट्रैक कर रहा हूं क्योंकि काशिफ के पैर में प्रॉब्लम है, उसके एक्चुअली पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा भी कुछ डिसबैलेंस होता है उसका पैर मुड़ जाता है, तो वो कह रहा है मैं नीचे जा रहा हूं, और मैं अकेले ट्रैक करता हूं, देखता हूं जहां तक जा सकता हूं जाऊंगा, बट थोड़ा सा टफ है एक्चुअली, रोड की दिक्कत है, ये प्रॉपर रोड नहीं है, कंकड़ वगड़ है, तो इसमें पैर फिसलता है जब आप उतरते हो, लेकिन व्यू जबरदस्त है यार, जबरदस्त व्यू है। लेट्स फाइंड आउट काशिफ कहाँ पर गया, कहाँ पहुँचा है काशिफ, नहीं मिल रहा है। ये देखो रास्ता ऐसा है, ऐसे ऐसे करके रास्ता है, और व्यू ये अल्टीमेट व्यू। तो लेट्स, तो गाइस अकेला हूँ ट्रैक पे काशिफ तो, बट अभी है नहीं कोई आसपास, सांस फूल रही सांस। रास्ता ऐसा था पीछे देख रहे हो,
इस रास्ते से आया हूँ और ये पूरा मुझे उस पहाड़ पे चढ़ना सुबह बोला भी नहीं जा रहा यार, थोड़ा टफ है यार ट्रायल, देखता हूँ हो पाता नहीं हो पाता, टफ है यार चढ़ना पड़ेगा। सो यहाँ पर दो पिक है, देखिए एक पिक ये है, ये थोड़ा छोटा है थोड़ा बड़ा है। फाइनली रीच जॉर्ज एवरेस्ट पीक, वो एक पॉइंट है तो ये एक पॉइंट है। सो यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है, सो सभी लोग आते हैं ऊपर फोटो वोटो क्लिक करते हैं। यहाँ का मौसम भी अलग टाइप का कुछ है, बिल्कुल चलते लगता है शायद बारिश होने वाली है। फाइनली काशिफ भाई तूने मिस किया, तो लेट्स गो बैक टू, चलते काशिफ के पास, अब चलते नीचे। सो अब चलते हैं नीचे, एक्चुअली नीचे उतरते वक्त ध्यान देना है क्योंकि बिल्कुल स्लोप है और उसमें पैर फिसलने का डर है क्योंकि ये कंकड़ है पूरा, मैं दिखाता हूँ। सो एक्चुअली ऐसा स्लोप है और जो ये कंकड़ है बहुत पैर फिसलता है इसमें, तो उतरते वक्त बहुत ध्यान दे के उतरना है हमें। सो काशिफ मेरा यहाँ पर वेट कर रहा है और मुझे ये यहीं पर जा रहा है, तो रास्ता कुछ इस तरीके से यहाँ से उतरेंगे और ये पूरा घूमते हुए फिर वहाँ मुझे नीचे उतरना है। ये देख लो ऐसे रास्ते से उतरना है और बिल्कुल यहाँ पर खाई है, तो हमेशा ऐसे रास्तों से उतरते वक्त इस साइड पर है जिस साइड पहाड़ है, ना कि खाई के साइड। अगर वहाँ से कोई आ भी रहा हो, कोई जैसे होता है ना गाय वगैरह आते, तो आपको डर नहीं रहेगा गिरने का, उतरते वक्त आसान है आराम से उतर सकते हैं, कोई ऐसी थकावट वाली बात नहीं। ऑसम व्यू ऊपर से, ऑसम। ये देख रहे हो यहाँ से उतरते हुए ये पूरा सीढ़ियाँ नीचे आते हुए फाइनली रीच हियर, और अभी और जा रहा है लंबा। सो जैसे उतरे नीचे धूप लग रही बहुत तेज, टैन ना हो जाए यार, इसलिए गमछा बहुत सही है। व्यू देखो, व्यू क्लाउड्स देखो यहाँ से अल्टीमेट, ऊपर से आ रहे हम। आजा 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 चल। ये बंदा भाई पता नहीं क्या हो गया इसके पैर पे यार, बहुत अच्छी व्यू उसने मिस करी आज। क्या हो गया? देखिए इसको ततैया ने काट लिया पर भाई, हमेशा फुल बाजू के पहना कर जब ऐसे ट्रैकिंग या जंगलों में रहे, ठीक है? तो मैंने भी देख जैसे ट्रैक तो पहनता क्यों नहीं, फिर तूने मेरे को बताया तो क्लास कर रहा है। तो गाइस अब हम ट्रैक से आ चुके हैं वापस, वो हमारी खड़ी है स्कूटी, तो लेट्स चलो अब निकलते हैं यहाँ से, रेडी चलो बाय।